हेलो टू ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कैसी चल रही हो भैया आपकी पढ़ाई अभी तो एक डेढ़ महीना ही रह गया एग्ज़ाम के लिए आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और अगर सपोज़ आपकी पढ़ाई अभी जस्ट शुरू की है आपने तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ यू स्टिल हैव वन एंड हाफ मंथ फॉर योर एग्ज़ाम इसमें भी आप पूरा सिलेबस कर सकते हो डोंट so वरी बस एक प्रॉपर प्लानिंग एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ते रहो एंड आई एम श्योर कि आप इस अटेम्प्ट में तो क्लियर हो ही जाओगे माई बेस्ट विशेस एंड ब्लेर विद ऑल माई स्टूडेंट्स अच्छा आज का हमारा टॉपिक है ऑक्शन सेल सेक्शन सिक्सटी फोर ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम माय व्हाट्सएप ग्रुप हैड रिक्वेस्टेड कि मैम ऑक्शन सेल हमें नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज़ उसके रूल्स ना स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स डिस्कस करना सो हियर आई एम डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जाम इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस वॉट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑप्शन सेल एंड वॉट आर द रूल्स रिगार्डिंग ऑप्शन सेल इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सी ए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू डू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल दीडियो दैट यू रिक्वेस्टेड ऑन योर चैनल लेटस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑप्शन सेल अच्छा ऑप्शन सेल का मतलब तो पढ़ लेंगे लेकिन ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि भाई सादी सेल छोड़ के हम ऑप्शन सेल क्यों कर रहे हैं कितना ईजी होगा ना एक बायर है एक सेलर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन करवाने का इतना बड़ा प्रोसीजर कोई क्यों करेगा नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक पेंट हाउस है नरिमन पॉइंट मुंबई में फेसिंग द सी क्या बात है बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा सोच के तो मैं सोचती हूँ कि यार भाई इतने साल से मेरे पास है इतना मेंटेनेंस आता है बिकॉज ऑफ सी मॉइस्चर मुझे सब कुछ हर साल चेंज करना पड़ता है अब अब मुझ मुझे नहीं रखना वो घर तो मैं एक दिन आप मेरे सी हो आपके पास आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आ, यार मैं सोच रही रूँ कि ये घर बेच दूँ इतना मेंटेनेंस आता है अभी मुझसे नहीं होता आप मुझे सजेशन देते हो कि मैम आप इसे सेल क्यों कर रहे हो इसे ऑक्शन करवाओ मैं पूछती हूँ ये ऑक्शन क्या होता है आप आप मुझे बताते हो कि देखो अगर आपको ये घर बेचना ही है तो एक एक बायर के पास आप जाओगे कितना टाइम वेस्ट होगा ना आपका आप एक काम करो सबको एक जगह पे बुला लो पहले तो अनाउंसमेंट कर देना कि मैं अपना घर ऑक्शन कर रही हूँ उसकी बेस्ट लोकेशन है अच्छे कंडीशन में भी है फेसिंग द सी है तो जो भी इंटरेस्टेड है वो एक जगह पर आ जाए तो इससे क्या होगा कि आपको बायर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है वो सामने से ही आपके पास आ जाएंगे आपकी तो इतनी यूनिक प्रॉपर्टी है इतनी प्राइम लोकेशन पे, है आप सबको एक साथ बुलाओ उनको घर दिखाओ और वहीं पे फिर आप बोलो चलो बायर बताओ क्या प्राइस देना दोगे आप मेरे इस घर का लेट देम डिसाइड ऐसा भी हो सकता है कि आप एक प्राइस मन में सोचो कि से कि मुझे इसके सेवेंटी करोड़ रुपीज मिलेंगे करोड़ मिलेंगे शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई बायर आपको हंड्रेड करोड़ रुपीज दे दे या नाइन्टी करोड़ रुपीज दे, दे आपका तो फायदा ही होगा मैं बोलती यार तू पक्का सी है तू मेरा पक्का दोस्त है चल ऑप्शन कर दे यू लुक एट मी एंड से मैम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं ऑक्शनियर नहीं हूं मैं प्रोफेशनल नहीं हूं मैं बोलती हूँ हाँ वो मैं भी नहीं बेच सकती यार ये घर तो मुझे भी नहीं पता ये ऑक्शन वगैरह कैसे करवाते हैं तो आप सजेस्ट करते हो कि एक प्रोफेशनल पर्सन के पास जाते हैं जो ये काम करता है क्योंकि ऑक्शन करवाना लोगों में वो एनर्जी डालना उनको बताना कि चलो क्या प्राइस में करोगे यस वन येस यस डू आई हेर अनदर बिड और डू आई हेयर ट्वेंटी लैक्स मोर ये सब करवाना भी एक आर्ट होती है ना एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है मैं बोली हूँ हाँ ये तो सही बात है तो किसके पास जाए आप बोलते हो एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं ही इज नोन एज एन ऑक्शनियर वो आपकी ऑक्शन करवा के देगा थोड़ी बहुत कमीशन ले लेगा लेकिन आप जैसा बोलोगे वो वैसे आपकी प्रॉपर्टी सेल करवा के देगा मैम क्या सुपर आइडिया दिया है आपने मैं तो बहुत खुश हो गई सो इफ द गुड्स आर यूनिक या फिर आपकी प्रॉपर्टी है जो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है अच्छा जो एक, को, एक कोई आर्टिस्ट है उसने बस एक वन ऑफ अ काइंड पेंटिंग बनाई है यूनिक है पूरे वर्ल्ड में वैसी पेंटिंग किसी ने नहीं बनाई तो इन दैट केस वो सिर्फ सेल क्यों करें ही शुड एम टू गेट द हाइस्ट प्राइस बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु वॉन्ट टू बाय दैट इन दैट केस ऑप्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन तो ऑप्शन में क्या होता है द इंटेंडिंग बायर्स दे असेंबल एट वन प्लेस एंड दे ऑफर टू पे पर्टिकुलर प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट ओके सो दे असेंबल एट वन प्लेस दे ऑफर दे बिड the to pay the price at which they are ready to buy the goods, जो highest bidder होगा goods उसे मिल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं सब बाद में पढ़ेंगे हम अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझ लो कि auction sale में जो bidder है वो एग्री वो ऑफर करता है कि भाई मुझे ये गुड्स खरीदने ये प्राइस पे करें एंड द ऑप्शनअर विल आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट हिज ऑफर ये जो ऑप्शनियर होता है He is a professional जो ये auction काम करवाता है he is acting as agent of the owner वो owner के लिए auction करता है उसके बीहाफ पे goods sell करता है तो इनके बीच का owner और auctioneer के बीच का agent होता है as उनका relation होता है that of principal and agent so this is an auction आप यहाँ पर देख रहे हो uh, I have a few pics of auction कैसे होता है देखो यहाँ पर उन्होंने display किया है जो product उसके details दिए है प्राइस दिया है एंड दीज आर द बिडर्स तो सिमिलरली उनके पास कार्ड होता है दिस इज द प्राइज ये उनका नंबर होता है बिड कितने से आगे बढ़ेगी ये भी डिसाइडेड होता है तो दे जस्ट रेज द कार्ड मूवीज़ जैसा नहीं होता जब वहां पर वो लोग बिड करते हैं पच्चीस करोड़ बीस करोड़ ऐसा नहीं होता दे जस्ट रेज द कार्ड कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है ये मेरी बिड है दिस इज हाउ ऑप्शन इज डन अच्छा आंसर दिस फॉर मी ओके मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ अभी आप, आपको आंसर करना है ठीक है ये जो एडवर्टीजमेंट है फॉर ऑक्शन मैं बोलती हूँ संडे ऑक्शन है सब लोग आ जाना ये जो मैंने अनाउंसमेंट की है इज इट ऑफर और इज इट इनविटेशन टू ऑफर क्या बात है आप तो एकदम क्विकली आपने आंसर दे दिया सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे दिस इज नथिंग बट एन इनविटेशन टू ऑफर मैंने एड दे दी आपको संडे ऑप्शन है सब लोग आ जाना दैट इज इनविटेशन टू ऑफर फिर ऑफर कौन देता है कितनी बार तो मैंने अभी बताया आपको यस yes, आप ध्यान दे रहे थे वेरी गुड आपने करेक्ट आंसर दिया है ऑफर बिडर देता है फिर वो एक्सेप्ट कौन करता है इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनियर इज इट कंपल्सरी टू अपॉइंट एन ऑक्शनियर नहीं सेलर को अगर लगता है कि वो खुद ये काम कर सकता है तो यस आप ऑप्शन करवा लो गुड्स बेच दो तो, लेकिन अगर सेलर को लगता है कि नहीं और ये तो ये सब प्रोफेशनल्स का ही काम है ये मेरा काम नहीं है देन इन दैट केस ही कैन अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ नोन एज एन ऑप्शनर ये एक प्रोफेशनल पर्सन है जो बिडिंग करवाता है स्टूडेंट्स अगर आपको ये डॉक्यूमेंट जो है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां पर जाके आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो सो दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर बिडर ऑफर देता है फिर ऑप्शनियर की मर्जी है वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे वो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है लेटस गो थ्रू द रूल्स ऑफ ऑफर येस लेटस गो थ्रू द रूल्स ऑफ ऑफर द फर्स्ट रूल इज दैट वी मे सेल गुड्स बाई लॉट्स नाउ आई एल गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल मैं कहीं घूमने गई थी एंड आई हैड दी ऑपरचुनिटी ऑफ अटेंडिंग एन ऑप्शन तो वहाँ पर वो ऑप्शन कंडक्ट करवा रहे थे बहुत थोड़े थोड़े से मतलब कम बिडर्स थे बट आई जस्ट वेंट फॉर एक्सपीरियंस तो वहाँ पे पेंटिंग्स की ऑप्शन हो रही थी एक बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन उधर ऑप्शन करवा रहा था बड़ी बड़ी पेंटिंग्स तो उन्होंने सिंगल ही बोली कि ये इतने डॉलर्स की है आपको ख़रीदनी है तो इसका ये प्राइस है फिर हमें एक लिस्ट दी गई थी कि कौन से आइटम्स डिस्प्ले पे हैं उनका क्या प्राइस मतलब अगर आपको रिजर्व प्राइस मिनिमम प्राइस से कुछ शुरू करना है अदरवाइज़ इट्स ओके okay, आप कोई भी प्राइस से स्टार्ट कर सकते हो तो उन्होंने वो लिस्ट एक हमें बताई थी कि ये ये लिस्ट है जो छोटी पेंटिंग्स थी ना टाइम सेव करने के लिए बोल दो या फिर एक ही साथ काफ़ी पेंटिंग सेल करने की इंटेंशन से बोल दो दे हैड मेड दोस्ट दे हैड मेड अ फ्यू लॉट्स ऑफ दो पेंटिंग लॉट्स मतलब क्या जैसे तीन पेंटिंग का एक लॉट बना दिया तीन छोटी पेंटिंग्स थी कहीं पर एक बड़ी पेंटिंग और दो छोटी पेंटिंग्स थी तो ऐसे एक लॉट बन गया दूसरा लॉट बन गया तीसरा लॉट बन गया ईच लॉट इस प्राइमा फेसी कंसिडर टू बी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर आप बिड कर रहे हो तो आपको वो लॉट के लिए बिड करना है फिर वो लॉट में जितने आइटम्स हैं आपको खरीदने पड़ेंगे लेकिन आपको पता है क्या हुआ किसी ने बिड ही नहीं किया तो painting, उसने तुरंत ही वो लॉट तोड़ दिया तो ये सब ऑक्शनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसे बस वो गुड सेल करने हैं तो पहले उसने लॉट इंट्रोड्यूस किया अगर कोई बिड करता है तो वो लॉट के लिए बिड करेगा फिर वो लॉट में दो आइटम हो तीन हो चार हो आपको सब खरीदने पड़ेंगे और पहले ही हम आपको इन्फॉर्म कर देते कि ये लॉट में तीन चार आइटम है फिर आप बिड कर रहे हो तो आपको वो लॉट में जो है वो लेना पड़ेगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो लॉट के लिए किसी ने बिड ही नहीं किया तो उसने तुरंत उसे ब्रेक कर दिया ये वन पेंटिंग इतने की है कौन खरीद रहा है एंड अगर इंडिविजुअली ख़रीदते हो तो प्राइस ज़्यादा था लॉट में खरीदते हो तो प्राइस कम था सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एन ऑप्शन मैंने बिड नहीं किया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू बाय आई जस्ट वेंट फॉर द एक्सपीरियंस बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं गई तो मैं ज़रूर बिड करूंगी तभी क्या इतना प्रोसीजर का हमें आइडिया नहीं होता थियोरटिकली और प्रैक्टिकली जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत फर्क होता है ना सो so, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया बहुत अच्छा अगर कभी आपको मौका मिला तो ज़रूर अटेंड करना ऑप्शन वेर द गुड्स आर पुट फॉर सेल इन लॉट्स

हैमर उसका एक्शन वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है उसका एक्शन ही हमें बता देता है दैट अवर प्रोडक्ट हैज बीन दैट द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड जो हाइएस्ट बिडर था उसका बिड एक्सेप्ट हो चुका है लेकिन सिर्फ स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर से काम नहीं चलता थोड़ा ड्रामेटिक भी बनाना पड़ता है ना तो ऑप्शनियर बहुत सारे कभी कभार वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं जैसे गोइंग गोइंग गॉन वन टू थ्री यस सर इट इज सोल्ड टू नंबर बोलते हैं कि जिन्होंने वो बिड किया था और जिनका हाइस्ट बिड था तो गोइंग गोइंग गॉन वन टू थ्री यस सोल्ड ऐसे बोलते हैं थोड़ा तो ड्रामेटाइज करने के लिए लेकिन एक्चुअली तो सेल होती है ऑन फॉल ऑफ हैमर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो हाईएस्ट बिडर होगा आपको उसका बिड एक्सेप्ट करना ही है देखो कभी कभार क्या होता है ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एक पेंटिंग रखी है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार इसके मुझे फिफ्टी थाउजेंड तो मिल ही जाएंगे ये पेंटिंग पे इतनी मेहनत हुई है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें इतने सारे यू नो एस्पेक्ट्स है फिफ्टी थाउजेंड तो मिलना ही चाहिए पर हाईएस्ट बिड पहुंची ट्वेंटी थाउजेंड पर मुझे इतने नहीं चाहिए ट्वेंटी थाउजेंड मुझे तो फिफ्टी थाउजेंड चाहिए थे उसके लिए बहुत बार ऐसे होता है कि सेलर को अपना जो मनपसंद प्राइस है वो नहीं मिलता है अब देखो सोचने वाली बात तो ये है कि बिड आखिर में तो ऑफ़र ही है आपकी बिड हाईएस्ट हो या नहीं हो है तो वो ऑफर इट कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ऑप्शनर लेकिन ट्रेड कस्टम ऐसा है कस्टमरी मैनर है कि हाईएस्ट बिडर का बिड एक्सेप्ट करना ही है क्योंकि दैट्स हाउ इट इज नॉर्मली डन अगर नहीं करोगे शायद आपका गुडविल और रेपुटेशन अफेक्ट हो सकता है इसीलिए अगर आपके मन का प्राइस आपको ना भी मिले कभी कभार तो भी जो हाईएस्ट बिड आ गया उस पर नॉर्मली सेल हो जाती है ओके सो दैट इज हाउ इट इज नॉर्मली डन कि हाईएस्ट प्राइस नहीं भी मिला तो सेल करनी पड़ती है जस्ट फॉर मेंटेनिंग द गुड विल और रेप्यूटेशन बट हमारी मर्जी है हम रिजेक्ट भी कर सकते नहीं भाई मुझे ये प्राइस में तो नहीं बेचना आपका बिड हाइएस्ट हो तो भी नहीं बेचना अच्छा बिफोर द अनाउंसमेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिफोर द अनाउंसमेंट बिडर में विदड्रॉ हिज बिड क्या बात कर रहे हो बिडर विड्रॉ कर सकता है अपनी बिड ऑफ कोर्स आखिर में ये बिड है तो सिर्फ ऑफर ना और हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दैट ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर इट इज एक्सेप्टेड तो वो हैमर स्ट्राइक होने से पहले आप अपना बिड विड्रॉ कर सकते हो ऑफर ही तो है वो रिवोक कर सकते हो लेकिन अगर स्ट्राइक हो गया तो तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा फिर आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास पैसे नहीं है एक बार हैमर स्ट्राइक हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा फिर तो गुड्स खरीदने ही पड़ेंगे आपको अच्छा यहाँ पर ना थोड़े से मैंने वेरिएशंस लाए हैं सम टाइम्स फॉल ऑफ हैमर डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द हाईएस्ट बिडर हैज बिकम द ओनर इसका क्या मतलब है देखो स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर ये बताता है कि भाई तुम्हारे साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तुम ओनर बन गए हो ऐसा तो हमने नहीं कहा आर यू गेटिंग मी जब होता है इसका यह मतलब है कि हमने सिर्फ आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको ओनरशिप भी दे दी है समटाइम्स ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ना यहां पर मैंने बताया था ऑक्शन ने पहले ही अनाउंस कर लिया अरे बिडर्स सुन लो ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली वेन यू पे द टोटल प्राइस अब हाइस्ट बिडर मिल गया हमें हमने बोला सोल्ड हाँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि वो गुड्स अब हमने तुम्हें बेचे हैं तुम बायर हो वो गुड्स हम और किसी को ऑफर नहीं करेंगे तुम्हें ही बेचेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमने उसके साथ बना लिया लेकिन ओनरशिप तो हम तब ट्रांसफ़र करेंगे जब वो फुल प्राइस पे करेगा पर उसने ना वो चेक दिया था हमें पर वो चेक डिसऑनर हो गया उसने मतलब उसका प्राइस पे नहीं हुआ वो ओनर नहीं बनेगा इवन ही बिडर अच्छा ये जो टर्म्स एंड होती है ना इनको ध्यान में रखते हुए ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है लाइक like से बोल दे bidder, एक बार आपने बिड कर दिया वापस नहीं ले सकते ये हमने पहली अनाउंस कर दिया था तो दैट केस

इज इट सेल नहीं गलती सेम स्ट्राइक हो गया एट बिलो द रिजर्व प्राइस दैट इज नॉट सेल रेजर्वेशन ऑफ राइट टू बिड ये क्या होता है सेलर है वो गुड्स ऑफर तो कर रहे हैं फॉर सेल बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिड क्यों भाई अरे वो क्या होता है ना कि कभी कभी थोड़ी बिडिंग शुरू करने के लिए थोड़ा वार्म अप करने के लिए वी नीड टू अपॉइंट अ फ्यू पर्सन जो हमारे लिए बिड करेंगे जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा ना जैसे एसी कंपार्टमेंट में जब सर्विस खत्म हो जाती है तो वेटर्स आते हैं ट्रे के साथ में उसमें ऑलरेडी पचास सौ रुपए के नोट होते हैं ऐसा क्यों कोई पाँच रुपए का कॉइन क्यों नहीं देख दिखता आपको कोई टेन रुपीज़ का कॉइन क्यों नहीं दिखता अरे वो खुद ही पचास सौ रुपए डाल देते हैं ना फिर बाद में जब वो कस्टमर्स ट्रैवलर्स के पास जाएंगे वो देखेंगे अच्छा ट्रे में पचास रुपये मैं फिर पाँच रुपये कैसे रखूं चल ठीक है मैं भी पचास डाल देता हूं तो वो एक माहौल क्रिएट करने के लिए एक एटमॉसफेयर क्रिएट करने के लिए देखो आप दे रहे हो ऐसे आपके जैसे बहुत लोग दे रहे हैं वैसे ही बिडिंग में कभी कभार कोई बिड ही नहीं करता फिर मुझे लगता है यार मैं कैसे बिड करूँ ये गुड्स शायद अच्छे नहीं होंगे इसीलिए कोई बिड नहीं कर रहा तो वो शुरुआत करने के लिए ना हम बोलते हैं कि ठीक है सेलर तुम एक पफर अपॉइंट कर सकते हो और दूसरी बात दूसरा लॉजिक ये है सेलर तो हमेशा ट्राई करेगा ना कि उसको बेस्ट प्राइस मिले अब यहाँ पर बार्गेन तो कर नहीं सकता नहीं मैम थोड़ा और दो ना नहीं सर आप दे सकते हो पचास हजार और दे दो यानी सर दस हज़ार की तो बात है थोड़ा और बिड कर दो ऐसा तो नहीं बोल सकते हम बार्गेन तो नहीं कर सकते तो एक पफर अपॉइंट करते जो सेलर के बिहाफ पे बिड्स थोड़ी बढ़ाते रहेगा लेकिन सिर्फ एक ही पफर आप अपॉइंट कर सकते हो अगर मैंने सेकंड भी अपॉइंट कर दिया इसका मतलब है कि सेलर का तो एम है कि बस प्राइस बढ़ाते जाओ इस तरीके से वी विल नॉट अलाउ दैट अपॉइंटमेंट ऑफ सेकेंड पफर इज फ्रॉड्यूलेंट ओके पर लिखा है by bidders. मतलब बिडर ही इज और वाइट बोनर्स या डक्स बोलते हैं उनको दे बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर सेलर और एनी वन पर्सन नोन द पफर विल बिड ऑन हिज प्रोवाइडेड ही टाइप हो गया है ओके राइट टू बिड हैज़ बीन एक्सप्रेसली रिजर्व एट द टाइम ऑफ नोटिफाइंग द ऑप्शन सेल आपके बिहाफ पे कोई बिड कर रहा है ये हमें पहले ही राइट right रिजर्व करनी पड़ती है ये अनाउंस करना पड़ता है कि ये बिड करेगा सेलर के बिहाफ पे सो यू हैव टू एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऐट द टाइम ऑफ नोटिफाइंग द ऑप्शन सेल सो दैट पीपल नो कि हाँ ही इज बिडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर कि ही हैज़ रिजर्व द राइट टू बिड सेलर खुद बिड करेगा या फिर वो किसी पफर को अपॉइंट करेगा सेकेंड पफर अपॉइंट करना फ्रोड्युलेंट हो जाएगा प्रिटेंडेड बिडिंग का भी यूज करना फ्रोड्यूलेंट है बिडिंग क्या होती है मैंने मेरे चार फ्रेंड्स को बिठा दिया बोला तुम बिड करो प्राइस को बढ़ाओ दैट इज नॉन एज बस प्राइस बढ़ाना ही चाहते हो आपने चार पांच लोग बिठा दिए बिडिंग इज फ्रोड्यूलेंट इट इज फ्रोड्यूलेंट नॉकआउट एग्रीमेंट यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट देखो अगर हम एक दूसरे के साथ बिडिंग करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट बिडिंग करेंगे गुड्स या तो आपको मिलेंगे या मुझे मिलेंगे और एंड वी विल एंड वेरी हाई प्राइस ना तो आप और मैं एग्री कर लेते हैं कि हम दोनों में से कोई एक ही बिडिंग करेगा वो गुड्स अगर हमें मिल गए तो ये प्रपोर्शन में हम उसे सेल कर दे सॉरी ये प्रपोर्शन में हम उसे डिवाइड कर देंगे अगर वो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो उसको सेल करके पैसा आधा आधा कर देंगे दैट इज नोन एज अ नॉकआउट एग्रीमेंट अगर ये गुड फेथ में है तो वैलिड है लेकिन अगर ये बैड फेथ में मतलब मुझे आई वॉन्ट टू डी फ्रॉड अदर वॉइड तो ये वैलिड है या वॉइड है ये तो हमें सिचुएशन देख के ही पता लगेगा एन एग्रीमेंट बिटवीन बिडर्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर इज नोन एज अ नॉकआउट एग्रीमेंट सच एग्रीमेंट आर लॉफुल अनलेस द इंटेंशन इज टू डी फ्रॉड दी अदर पार्टी तो यहां पर हमें उनका इंटेंशन देखना पड़ेगा लास्ट पार्ट डैम्पिंग कितना यूनिक टर्म है ना ये डैम्पिंग डैम्पिंग मतलब किए किराए पर पानी फेरना है न अब मैं बहुत ही पेशेंटली वेट कर रही थी जिस लैंड की बिडिंग में मुझे इंटरेस्ट है ना वो अब आया है मैं बहुत वेट कर रही थी कब ये लैंड आएगा ऑक्शन पे कब आएगा बिडिंग बस स्टार्ट ही होने वाली थी कि एक पर्सन आया और मुझे मैम आपके लिए ना अर्जेंट कॉल है आपके घर से आपकी मम्मी का कॉल है कुछ बहुत अर्जेंट है मैं भक्ति भक्ति बाहर चली गई और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने बिड करके लैंड खरीद लिया दिस इज नोन एज डैम्पिंग आप किसी को डिस्ट्रैक्ट करके वहां रूम से ही बाहर ले जाओ या फिर दूसरा आइडिया जैसे लेट्स से सब कुछ डिस्प्ले पे पड़ा है नाउ यू वांट अ पर्टिकुलर वाज फिर आप वहां पर जाते हो और उधर ना एक ग्रुप खड़ा था आप उनको बोलते हो कितना बेकार डिजाइन है ना ये पता नहीं किसने बनाया है आई थिंक जो भी खरीदेगा बहुत अनलकी होगा पता है इसके जो प्रीवियस दो ओनर्स थे दे बिकेम मैड क्रेजी एंड वेरी बैड थिंग्स हैपन टू देम आई एम नॉट गोइंग टू बिड फॉर दैट वाज तो हम इस तरीके से डिस्करेज करते हैं दिस इज नोन एज डैम इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बिडिंग और रेजिंग द प्राइस इज नोन एज डैम ये इलीगल है अगर ऑप्शनअर को पता चल गया ना कि तुमने डैम्पिंग का यूज किया है वो गुड्स विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम ऑप्शन सो येस इट इज इीगल ऑक्शनर कैन विदड्रॉ ऑन कमिंग टू नो अबाउट दिस तो so स्टूडेंट्स ये थे सारे रूल्स ऑफ ऑप्शन सेल जिनको डाउट था आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया है ये स्टूडेंट्स दिस इज योर चैनल दिस इज नो लॉन्गर माई चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग इज योर चैनल आपको जो वीडियोज़ चाहिए उसका आप रिक्वेस्ट करते हो एंड आई ट्राई आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज चैप्टर्स एक दो और रिक्वेस्ट हैं कंटिनजेंट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की स्टूडेंट्स ने वो रिक्वेस्ट किया था एक ने और रिक्वेस्ट किया था आई थिंक ऑन कॉर्पोरेट वेल मुझे आपकी रिक्वेस्ट याद हैं आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दोज कॉन्सेप्ट लेकिन अगर आपको जल्दी है कि नहीं मुझे देखना ही है तो हमारे प्रयास रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल है वहाँ पर तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड कीप वॉचिंग एस कीप फॉलोइंग एस हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे और हाँ वेबसाइट देखी कि नहीं मेरी उसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं बहुत सारे बुक्स वीडियो लेक्चर्स टेस्ट सीरीज हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट में डाउट होगा ना आपको यू कैन कॉन्टैक्ट अस द नंबर इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट तो जाओ विजिट करो और ये अगर आपको डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट देन यू कैन विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां से आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो तो स्टूडेंट्स आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं एग्जाम की तैयारी करो ऑल द बेस्ट कोई और वीडियो होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो on that concept.